इससे पिछले वीडियो मैंने आपको बताया कि नुपुर शर्मा ने जो फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट लोगों को बताया है रामगोपाल मिश्रा का, इस पर ज्यादा बवाल मचा तो नुपुर शर्मा लोगों से माफी मांग लेगी। और वही किया है नुपुर शर्मा ने। दिन के वीडियो मैंने आपको बताया कि क्या कुछ हुआ, कैसे एक मंच पे नुपुर शर्मा रामगोपाल मिश्रा का फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट लोगों के साथ साझा कर रही थी, लोगों को बता रही थी। लेकिन वीडियो जब वायरल हुआ, वीडियो के ऊपर लोगों ने जब प्रतिक्रिया देना शुरू किया, लोगों ने इस वीडियो को लेकर यूपी पुलिस को टैग किया, बहराइच पुलिस को टैग किया, एक्शन करने की मांग की नुपुर शर्मा के ऊपर, तो नुपुर शर्मा ने माफी मांग लिया है। 35 गोलियां नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल ली। क्यों? नुपुर शर्मा ने अपने बयान में ये सब कुछ कहा राम गोपाल मिश्रा के पोस्टमार्टम को लेकर, जो कि फर्जी फेक है, उसको नुपुर शर्मा एक सार्वजनिक मंच पे लोगों को बता रही थी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि लोगों ने पुलिस को टैग करना शुरू किया, लोगों ने बहराइच पुलिस को, यूपी पुलिस को, सीएम योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश के डीजीपी को टैग करना जब शुरू किया, तो उसके बाद नुपुर शर्मा ने माफी मांग लिया है। द ललन टॉप की ये खबर देखिए, लिखा गया है नुपुर शर्मा ने पहले राम गोपाल के पोस्टमार्टम पर फेक न्यूज फैलाई, फिर माफी मांग ली। नुपुर शर्मा का ये वीडियो सचिन गुप्ता ने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया, जिसके बाद सचिन गुप्ता के ही पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए, रीट्वीट करते हुए नुपुर शर्मा ने क्या कुछ लिखा है, कैसे माफी मांगा है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपके स्क्रीन पर आप देखिए नुपुर शर्मा ने क्या लिखा है और कैसे माफी मांगा है। नुपुर शर्मा ने लिखा है, दिवंगत राम गोपाल मिश्रा जी के बारे में जो मैंने मीडिया में सुना था वो मैंने दोहराया। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के स्पष्टीकरण के बारे में नहीं पता था, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। तो नुपुर शर्मा कह रही है कि मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के स्पष्टीकरण के बारे में पता नहीं था, जो मैंने मीडिया से सुना वो मैंने दोहरा दिया। और उसके बाद नुपुर शर्मा ने माफी मांगा है, वो कह रही है कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ और मैं क्षमा मांगती हूँ, ये नुपुर शर्मा ने कहा। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से ये जो फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चल रहा था कुछ दिनों से, आपने देखा सुधीर चौधरी और भी बहुत सारे लोगों ने और राइट विंग के लोगों ने जो फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फैलाया सोशल मीडिया पे, और आप जानते हैं झूठ कितना तेजी से फैलता है। लेकिन उसके बाद बहराइच पुलिस ने इसको लेकर साफ किया कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें मरने की वजह सिर्फ गोली लगने की वजह बताई जा रही है। गोली लगने से राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई है, ना तो उसका आंख निकाला गया है, ना ही उसका पेट काटा गया है, और ना ही उसके नाखून उखाड़े गए हैं। लेकिन नुपुर शर्मा ने ये सब कुछ कह दिया और उसके बाद होता यह है, ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता है और अब नुपुर शर्मा लोगों से माफी मांग रही है। फिलहाल नुपुर शर्मा के इस माफी को लेकर आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।